लास्ट टाइम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमने किया, और नेक्स्ट आज की शीट, शीट नंबर 38, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो शीट नंबर 38 का प्रिंट आउट लें। लैमिस थ्योरम, लैमिस थ्योरम मैंने एक बार उस पर व्हाट्सएप पे भी एक लिंक भेजा था, कितने लोगों ने सुनी हुई है? सुनी हुई है। एक्चुअल में वेक्टर में इसका प्रूफ आता है और फोर्स में इसकी एप्लीकेशन आती है। तो वेक्टर में जो प्रूफ किया था और फोर्स में इसकी एप्लीकेशन है, तो ये राइट टाइम है लैमिस थ्योरम को सीखने का और अप्लाई करने का। तो लाइट ऑन करना, लाइट। तो लैमिस थ्योरम के अंदर क्या है, लैमिस थ्योरम पहले यहाँ से देखते हैं। लैमिस थ्योरम के अकॉर्डिंगली आपके पास अगर सपोज ये एक फोर्स है F1 वेक्टर, ये फोर्स है F1 वेक्टर, ये फोर्स है F2 वेक्टर और ये फोर्स है F3 वेक्टर, ये एक ही पॉइंट पे तीन फोर्सेस लग रही हैं। और ये रूल है लैमिस थ्योरम जहां लगती है कि ये जो पॉइंट पे फोर्स लगेगी ये फोर्स का नेट सम जीरो आना चाहिए, यानी कि दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ये हिल नहीं सकती। मतलब कि जैसे इन दोनों का वेक्टर सम इसके इक्वल है, या इन दोनों का वेक्टर सम इसके इक्वल है, या इन दोनों का वेक्टर सम इसके इक्वल है, ताकि ये बॉडी किस पे रहे, एट रेस्ट। तो लिख लेना यहां पर दिस पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम, ये तभी लगेगी नहीं तो लगेगी नहीं। अगर ये मूवेबल है फिर नहीं लगेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये तीनों फोर्सेज एक्ट कर रही है पॉइंट के ऊपर और तीनों की तीनों फोर्सेज एक पॉइंट पे एक्ट करती हैं और ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में, सच दैट इसमें F1 F2 वेक्टर में एंगल गामा, F2 F3 में एंगल अल्फा और F3 F1 में एंगल इज बीटा। तो मुझे प्रूव करना है लैमिस थ्योरम में कि F1 डिवाइडेड बाय ये फोर्स के ऑपोजिट जो दो फोर्सेस हैं इनके बीच में एंगल कितना है, अल्फा। तो F1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज F2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा इज F3 डिवाइडेड बाय साइन गामा, ये प्रूफ है इसका। ऐसा ये लैमिस थ्योरम हमें बताती है। फिर हम करेंगे क्या इस थ्योरम का, इसको हम बाद में देखेंगे, पर ये थ्योरम का प्रूफ बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो मैथ्स में टिपिकल ज्योमेट्रिकल प्रूफ नहीं आते थे, इन ट्राइंगल दिस ये ले लो फिर वो कर लो ये कर लो और फिर प्रूफ निकलता था, बिल्कुल वैसा ही है। तो लैमिस थ्योरम के अंदर सबसे पहले काम करेंगे वेक्टर को, इस F1 वेक्टर को यहां से निकालेंगे। देखो वेक्टर को हम हटा सकते हैं, और मैं वेक्टर को कहां रखूंगा, मैं वेक्टर को कहीं भी रख सकता हूं प्रोवाइडेड उसकी डायरेक्शन और वैल्यू चेंज ना हो। तो लो मैंने F1 वेक्टर को उठाया और यहां रख दिया, F1 वेक्टर। मैंने F2 वेक्टर को उठाया और मैंने यहां रख दिया। देखो इस पेन की ना तो वैल्यू ना डायरेक्शन चेंज है, ये रे सच दैट। और F3 वेक्टर को यहां से उठा के मैंने यहां रख दिया, तो बन गया एक ट्रायंगल। ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ बात एक ही है। कोई कहेगा सर डायरेक्शन चेंज हो सकती है, एंगल चेंज हो गए, मैंने कहा नहीं हुए। कैसे? देखो F1 F2 में एंगल कितना है, गामा। F1 की डायरेक्शन खत्म नहीं हुई, वेक्टर की डायरेक्शन यहां तक है, तो F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर में एंगल कितना है, गामा। वहां भी गामा, यहां भी गामा, बिल्कुल उस तरीके से F3 में एंगल कितना है, अल्फा। ये रहा आपका F2 आगे की तरफ ले जाओ, F2 वेक्टर की डायरेक्शन F3 में अल्फा। सिमिलरली F1 और F3 में बीटा, तो F1 F3 में बीटा, मतलब एंगल भी सेम रखे और वैल्यू भी सेम रखे, तो ट्राइंगल बन गया सच दैट। अगर ये अल्फा तो ये पाई माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा, गामा तो 180 माइनस गामा, बीटा तो 180 माइनस बीटा, कोई डाउट इस? ट्राइंगल फॉर्मेशन क्लियर है यहां तक? ट्राइंगल कैसे बना इसमें, कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? अब मैं ट्राइंगल लॉ लगाना चाहता हूं, मैं लगा नहीं पा रहा क्योंकि ये वेक्टर इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, और मुझे क्या चाहिए, क्लोजिंग साइड। तो मैंने एक काम किया, जो F3 वेक्टर है ना उसको उल्टा ड्रॉ कर लिया, क्योंकि उल्टा ड्रॉ किया तो माइनस F3 कर सकता हूं, F3 नीचे है तो माइनस F3 ऊपर है, कोई डाउट इसमें? बाकी एवरीथिंग इज सेम। तो मैंने जान के ऐसा किया ताकि ये वेक्टर और ये क्लोजिंग साइड हो जाए, और क्लोजिंग साइड क्या होता है, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट। तो क्या मैं यहां पर ट्राइंगल लॉ लगा सकता हूं? तो मैंने यहां पर ट्राइंगल लॉ लगा दिया विच स्टेट्स दैट F-F3 वेक्टर क्लोजिंग साइड इज F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। तो F3 वेक्टर भी इधर चला गया, तो नेट सम इनका क्या आ गया, जीरो। और वो तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, इतना करने की जरूरत नहीं थी
क्योंकि जब एक पॉइंट इक्विलिब्रियम में है तो उनका उनके ऊपर जो भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं F1, F2, F3 इन सबका वेक्टर सम क्या आना चाहिए? जीरो, क्योंकि सिस्टम किस में पड़ा हुआ है? इन इक्विलिब्रियम। तो सीधा लिख दोगे तो भी ठीक है, नहीं तो मैंने प्रूफ भी कर दिया। ठीक, अब एक तरीका देखो प्रूफ करने का। मेथड में इस इक्वेशन को लिखो, दोनों साइड्स को क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे F1 वेक्टर के साथ, तो दिस क्रॉस F1 और ये तो जीरो ही है। तो ओपन करें इसे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों साइड्स को क्रॉस प्रोडक्ट लिया, F1 क्रॉस F1, F1 क्रॉस F1, सॉरी F1 क्रॉस F1 ये रहा, F2 क्रॉस F1, F3 क्रॉस F1। ठीक, ये स्टेप सबको क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ये स्टेप क्लियर है? ये दो स्टेप्स देख रहे हो, एक और दो, इन्हें क्रॉस कर दो, कट मार दो, ऐसे बनाओ, क्रॉस कर दो। ठीक, इन्हें क्रॉस करो, इसकी जगह लिखो, इसकी जगह ये लिखना है जो मैं लिखने जा रहा हूं, मैं लिख, एक मिनट, F1 वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू जीरो। F1 क्रॉस F1 तो सीधा जीरो, क्योंकि एक वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आंसर क्या आता है? जीरो। कोई डाउट इसमें? तो एक वेक्टर का खुद के साथ आंसर जीरो। नेक्स्ट है F2 क्रॉस F1 वेक्टर इज इक्वल टू, एक काम करते हैं F3 वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर ऐसे कर लेते हैं, ये मैंने ऐसे कर लिया, क्लियर है यहां तक? इसके अंदर साइन क्या आएगा? माइनस, क्योंकि राइट साइड पे गया तो ऐसे होगा, या उल्टा कर लो, ये लो ऐसे कर लो, इसके आगे माइनस लगा लो, ये ऐसे, ये यहां रखो, इसको यहां ले जाओ, एक ही बात है। कोई डाउट इसमें? मैं कर सकता हूं ऐसे? अच्छा, वेक्टर का रूल है, अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूं, मैंने सिखाया था वेक्टर में, तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस। ऑर्डर चेंज करने से माइनस का इफेक्ट खत्म हो जाता है, या माइनस का इफेक्ट लग जाता है, माइनस एक्स्ट्रा आएगा। तो क्या मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूं? चेक करो प्लीज, क्या ये इक्वेशन सबको क्लियर है? F1 क्रॉस F2 को ऐसे लिख सकता हूं, इसे पुट करो आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये लिखो तीन स्टेप्स, वो वैसे नहीं करो, ऐसे करो, कर लो करेक्शन प्लीज, कट करके करेक्शन करो। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 1 संभाल के रखो। नेक्स्ट है, अब फिर से एक बार वही क्वेश्चन वापस आ जाओ, F1, F2, F3 का वेक्टर सम जीरो, इस बार क्रॉस प्रोडक्ट F2 से लो, दोनों साइड्स को F2 से मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, इसे ओपन करो, F1 क्रॉस F2, F2 क्रॉस F2, F3 क्रॉस F2, ये टर्म आ गई। ठीक, इसके बाद ये तो दो लाइनें हैं ना यहां तक, ये दो, इसको क्रॉस कर दो प्लीज, दोनों को, इनको कट करो, इसकी जगह यहां से देखेंगे तो, क्योंकि आपकी इक्वेशन लिखी हुई है F1 क्रॉस F2 प्लस F2 क्रॉस F2 प्लस F3 क्रॉस F2 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? जीरो। F2 क्रॉस F2 क्या? जीरो। F1 क्रॉस F2 इज इक्वल टू माइनस F3 क्रॉस F2, ये राइट पे चला गया, कोई डाउट इसमें? ठीक, और एज वही रूल सेम, F1 क्रॉस F2 कैन बी रिटन एज F2 क्रॉस F3, मैंने ऑर्डर चेंज किया तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, इक्वेशन नंबर 2 यहां तक लिखो, ये दो स्टेप लिखो, इक्वेशन नंबर 2 तक लिखो। ठीक, तो उस स्टेप के बाद ये आने चाहिए, दो लाइन कट करके ये आएगा।
ठीक, कोई डाउट है इसमें? अच्छा अब ये बताओ, एफ वन क्रॉस एफ टू एफ थ्री क्रॉस एफ वन के इक्वल है, और एफ वन क्रॉस एफ टू एफ टू क्रॉस एफ थ्री के इक्वल है, तो इक्वेशन नंबर वन इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर टू, तो क्या आएगा? एफ वन क्रॉस एफ टू इज इक्वल टू एफ टू क्रॉस एफ थ्री इज इक्वल टू एफ थ्री क्रॉस एफ वन, ये लिख लो, इन्हें इक्वेट कर लो, इक्वेशन नंबर वन इज इक्वल टू टू, इस लाइन इसे ऐसी रहने देना, इसको कोई चक्कर नहीं है, इसके ऊपर जो भी लिखना है यहां लिख लेना साइड पे, यहां तक लिखो, ठीक, स्टार्ट वहीं से होगा, फिर बाकी इक्वेशन सही है सारी उसमें, पीछे शुरू हो जा। हाँ इक्वेशन नंबर टू तक को कट करके ना उसके बाद ये लिखना है, ना ना ये नहीं करेक्ट करना, ये जैसे लिख रहा था वैसे लिखना, यहां इसको छोड़ दे, इसको कट किया था ना, तो इन दोनों को कट करके ये यहां तक था रहेगा, फिर ये लाइन आएगी उसके बाद, ये नहीं कट करनी, यहां से शुरू करेंगे अभी, काट दी कोई बात नहीं, फिर लिख लेंगे। अच्छा छोड़ दो, आप उस पर मत देखो प्लीज, ये लिख लिया आपने, आप छोड़ दो प्लीज, आगे देखो, आगे आगे आगे, आपने ये लिख लिया, ठीक है आगे लिखवा रहा हूं, ठीक शांत शांति, ठीक है यहां तक, याद क्लियर है? अब आगे देखो, इसे ओपन करो, F1 क्रॉस F2, बोलो F1 क्रॉस F2 क्या आएगा? F1 ये रहा F1, F1 क्रॉस F2, क्रॉस प्रोडक्ट F1 इनटू F2 इनटू एंगल बिटवीन F1 एंड F2 इज गामा, तो F1 F2 साइन गामा, ठीक F1 F2 में F1 F2 साइन गामा। अच्छा नेक्स्ट क्या आएगा, तो इसकी जगह क्या आएगा? F1 F2 साइन गामा, फिर F2 क्रॉस F3, ये रहा F2, ये रहा, यहां चलते हैं F2 और F3, माइनस F3 नहीं चाहिए ना, F3 चाहिए, तो F2 क्रॉस F3, F2 इनटू F3 इनटू साइन ऑफ अल्फा, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना है? अल्फा, तो इनटू साइन ऑफ अल्फा। फिर नेक्स्ट बोलो F3 क्रॉस F1, ये F3 ये F1, तो F3 इनटू F1 इनटू साइन ऑफ बीटा, तो F3 F1 साइन ऑफ बीटा, जो ऑलरेडी मैंने ये इक्वेशन यहां पे लिखी हुई है, ये रे, ठीक है फिर से लिखनी है फिर से लिख लो कोई बात नहीं, तो उसे ओपन करके ये इक्वेशन बन गई, चेक करो, ठीक है यहां तक, ऐसे नहीं करना, ऐसे जो मैंने किया ये स्टेप गलत हो गए, वेक्टर फॉर्म में करना चाहिए था, क्लियर है यहां तक? बस ठीक, बस यहां से हो गया प्रूफ, इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो तीनों साइड्स को, F1 into F2 into F3, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस इक्वेशन के डिनोमिनेटर में लगा लो F1 F2 F3, इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ F1 F1 F2 F2 कैंसिल, F1 F3 कैंसिल, F3 F2 कैंसिल, तो आपके पास ये टर्म बच गई, अगर ये टर्म इक्वल है इसका रेसिप्रोकल भी इक्वल है, तो रेसिप्रोकल लो F1 by sin alpha, F2 by sin beta, F3 by sin gamma, हो गया प्रूफ। तो अगर बाय चांस स्कूल में आती है लेमिस थ्योरम, तो एटलीस्ट आपको प्रूफ पता है कि आपको कैसे करना है, अगर आती है तो ठीक है, यहां तक कोई डाउट है इसमें? अब क्योंकि कहां इसकी हमें जरूरत है इसको एक बार देखते हैं,
देखो लेमिस थ्योरम क्यों की एक बार चेक करो प्लीज। देखो सपोज करो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है, इधर देखो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसमें आपको एक पॉइंट पी पे तीन फोर्सेस नजर आएंगी, एक 50 न्यूटन मैंने लगाई, ये कोई रस्सी नहीं है, मैंने 50 न्यूटन की फोर्स लगाई, स्ट्रिंग टेढ़ी हो गई, और एक इसका वेट है बॉडी का जो नीचे लटकी हुई है 60 न्यूटन, और रस्सी टाइट होगी तो इसमें क्या आ गई, टेंशन। ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, पी पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, आपको एंगल थीटा बताना है कितना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। कैसे करवाया था, मैंने कहा था टेंशन, रस्सी जब टेढ़ी हो तो टेंशन के दो कंपोनेंट्स ले लिया करो, काफी बार किया ऐसे डिस्कशन हमने, जब जब रस्सी टेढ़ी हुई तो टेंशन के हमने दो कंपोनेंट्स लिए लिए। तो इसके अंदर भी सेम है, ये टी है तो मैंने वैसे ही किया, लाइन ड्रॉ की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, थीटा थीटा अल्टरनेट, टेंशन के कंपोनेंट्स हैं टी कॉस टी साइन, और क्योंकि पी पॉइंट इक्विलिब्रियम में है तो लेफ्ट की फोर्स इज इक्वल टू राइट की फोर्स, ऊपर की फोर्स इक्वल टू नीचे की फोर्स, तो ऊपर की फोर्स क्या है टी कॉस थीटा किसके इक्वल 60, और टी साइन थीटा किसके इक्वल 50। दो इक्वेशंस क्लियर हैं, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा, इन्हें डिवाइड कर लें, टू इक्वेशन को वन से डिवाइड करेंगे, टी से टी कैंसिल, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा 10 इज 5 डिवाइडेड बाय 6, तो थीटा इज टेन इनवर्स 5/6। पॉइंट सबको क्लियर है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने एक बार किया हुआ है। आप कहोगे तो फिर मतलब लेमिस थ्योरम से क्या लेना देना है, कई बुक्स इसको ऐसे नहीं करती, ये हमारा मेथड है, हम इसको ऐसे ही करते हैं और मैं इसको ऐसे ही करना पसंद करता हूं, कुछ लोग इसको ऐसे करते हैं बाय अप्लाइंग लेमिस थ्योरम। क्यों? क्योंकि लेमिस थ्योरम की पहली कंडीशन क्या है कि पॉइंट किस में होना चाहिए इन इक्विलिब्रियम, और नंबर ऑफ फोर्सेस कितनी एक्ट होनी चाहिए 3, पॉइंट पी क्वेश्चन इक्विलिब्रियम में गिवन 3 फोर्सेस हैं 1 2 3, इसका मतलब लेमिस थ्योरम कैन बी अप्लाइड। और लेमिस थ्योरम में दूसरी चीज क्या चाहिए, एंगल्स, एंगल कैसे, इन दोनों में एंगल कितना 90, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे थीटा थीटा सेम, तो ये पूरा एंगल कितना 90 प्लस थीटा, इन दो फोर्सेस में एंगल कितना 90 प्लस थीटा, और अगर ये थीटा तो 180 माइनस थीटा, तो इन दो फोर्सेस में एंगल कितना 180 माइनस थीटा, लगाएं लेमिस थ्योरम। तो लेमिस थ्योरम ये बोलती है कि तीन फोर्सेस हैं उनमें से एक फोर्स ली जाए, मान लो टी पहली फोर्स है, टी फोर्स के ऑपोजिट एंगल कितने हैं 90, तो टी डिवाइडेड बाय साइन 90, साइन 90 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ, इन दो फोर्सेस में एंगल कितने हैं 180 माइनस थीटा, इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय, इन दो फोर्स में एंगल कितने हैं 90 प्लस थीटा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। ठीक, लग गई लेमिस थ्योरम। तो यहां पर साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा क्वाड्रेंट से, और साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्वाड्रेंट से क्या होता है कॉस थीटा, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करें, साइन बाय कॉस क्या आएगा 5/6, थीटा आ गया 10 इनवर्स 5/6। कौन सा मेथड पसंद है, पहला कि दूसरा? पहला ही ठीक है, दूसरा ठीक है, मैं पहले से ही करूंगा वैसे, वो ठीक है, ठीक है, तो कंपोनेंट बनाऊंगा, आपको लेमिस लगानी है आप लेमिस लगाओ, तो मेरा काम है आपको बताना, कल को पता लगे कि लेमिस थ्योरम को यूज करता हुआ आप देख रहे हो यार हमें तो लेमिस नहीं कराई यार ये क्या है, चाहे उसका अल्टरनेटिव है हमारे पास, पर वो फील होता है दूसरे को कि यार लेमिस थ्योरम नहीं हुई, तो बस अब लेमिस थ्योरम हो गई। ठीक, तो पॉइंट्स